हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19, ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है, तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसके पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन अ एंजियोस्पर्म। देयर इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इज द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन ऑफ देयर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज अ वेरी कॉमन, इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अ स्टीम, रूट्स, लीव्स एंड इवन बोथ देयर आर अ वेरियस मॉडिफाइड टू द सूट्स, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। दिस इज कॉल्ड टू द नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द न्यू प्लांट Plants is formed by the vegetative progressions are genetically is similar to the parents. There is most important things here is the vegetative progression are genetically similar to their parents and natural method. In the natural method is a progression the plant is get a reach from to the body of the mother plant and grow into the independent plant. There are parts may be a stem, root, leaves or even flower. There is the most important things here. You have studied about there are various modification of root, stem and leaf is a lesson 4 and 5. You have also learned that is a modified production difference some special function and also help to the overcome uncomfortable condition. There is a stem, roots and leaves. I have already learned to the preview chapter and there is the roots and the stem. There is the first is the underground modification of stem. There is the most important feature, the underground modification of stem like rhizomes in the gingers and tuber is potato and the bulbs is the onions and the cone is a jamikand and is provided with the bulbs which is buds and which is the help into
और न्यू प्लांट एंड आर वे देयर फॉर यूज टू कैरी आउट अ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ऑफ देयर प्लांट इन द फील्ड. द प्लांट्स विद द सर्जिकल मॉडिफिकेशन सच एज अ विस्टिया ऑफसेट एंड देयर क्रायोथर्मस स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो यूज टू द वेजिटेटिव प्रोग्रेशन. And similarly, tuberosis root is a progress and the sweet potato can also be used for their progression as these root have a adventure buds which grow into a new plant. That is the most important things here. Sometimes when leaves contribute to the progression of plant of example, leaves are biofilms and the conosus has a buds on their medicine and this is a buds grow into a small plant. Plantus is when to detect from to mother plant there grow into the independent plants. And in a plant like a agavas and the oxalis is a multicellular bodies and called to the bulbils and evolve from to the flower buds. And this is called to bulbils which is when to fall on the ground grow into the new plant. That is the most important four feature is the agava. So here's on the table is the modes of vegetative progression with example. There are mode of reproductions and second is a specialized plant or part and example. There are natural method. The first of our roots adventurous means is there no any specialized plant is part but example is a asparagus, sweet potato. There is example of a our roots adventurous and the stem like the specialized plant of the part is a runner, sucker, bulb, tubers, rhizomes. And there is a part of runner is a loven grass and the sucker is a mint onion and bulbs is the onions and tuber is a potato, kana and the rhizomes is a ginger. And the leaves here, the adventurous buds and the example is a barophyllums. And a special part is a bulbia, is a axilla. There is an example. An artificial method here, but is not a specialized any part. There are cutting, there rows, many plants. And the larynx is a jasmine. And the graftings there, grafting is the grapes, veins. And their tissue culture is a citrus, mango, orchis, cassia, thymon, and asparagus. दोस्तों अब हमारे समक्ष जो है अतिजीवीजीय यानी एंजियोस्पर्म में कारिका प्रजनन किस प्रकार होता है उसके विषय में है. देखिए दोस्तों बहुत से बच्चों का ये मांग थी कि हिंदी में भी उनको ये सारे चीज़ें चाहिए. तो आप क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं और आपके फायदे के लिए सोच रहे हैं तो आपको अब जो हैगा ये सारे जो हैं बायोलॉजी के चैप्टर आपको हिंदी में भी नज़र आएगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे बोला है कि हिंदी में रहता तो और भी अच्छा होता. शायद उनको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो शायद इस वजह से ऐसा हो क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हर जगह जो है हर रूल रेगुलेशन से पढ़ाई लिखाई होती है. तो ये भी चीज़ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. इसलिए अब से जो होगा आपको हिंदी में भी वर्डिंग दिखेगी जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए ही कार्य करता है. मुझे मैसेज आया बच्चों के कि सर होना चाहिए ये जो आप बताते हो समझाते हो बहुत अच्छा है बट इसको हिंदी में भी आप एक्सप्लेन हिंदी में भी आप डिस्प्ले करो. तो डिस्प्ले करना बहुत ही थोड़ा सा था मुश्किल लेकिन फिर भी मैंने डिस्प्ले करने की कोशिश किया है. ठीक है ये चैप्टर जो है आपको डिस्प्ले होगा और हिंदी में भी होगा. तभी मैं कहता हूँ ना जब आप मुझे जो कहते हो त्रिपाण सृजन ऐसा ही करता है तो आपका भी फर्ज है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे बच्चे तक तो पहुँचाने के लिए जो है हमेशा कोशिश करते रहिए और व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाना मत भूलिए जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके. तो दोस्तों यहाँ पर यही बात बताया गया है कि देखिए अवित विजिए यानी एंजियोस्पर्म में क्या कारिका प्रबंधन होता है. देखिए कारिका प्रबंधन जो होती है दोस्तों उन पौधों में होता है जो कि अपना जनन क्षमता खो देते हैं. कहते हैं पौधों में कारिका भागों में से नए पौधे का जनन अत्यंत सामान्य क्रियाएं मानी जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है. और इसके कारिका जनन की जो है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का नाम दिया गया है. ठीक है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहते हैं. कहते हैं तना हो जड़ हो पतिया हो यहाँ तक कि कारिका भी सब कभी आवश्यकता पड़ती है तो संपूर्ण पौधों में रूपांतरित हो जाती है. आपने देखा होगा
कि आप गुलाब के पौधे को देखते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कलम लगाते हैं, ठीक है। कोई भी पार्ट को काट के वहाँ मिट्टी लगा के उसको हम कुछ समय के लिए कपड़े उससे बांध दो तो उसमें जड़ें फूट जाती है। इसका मतलब है कि ये कार्य का प्रबंधन के लिए अपने आप को अग्रसर करती है, चाहे वो तना हो, जड़ हो, पतिया हो, कहीं से भी कार्य का प्रबंधन हो सकती है। और इसी को हम वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण पौधे में रूपांतरित हो सकता है। पौधे किसी भी भाग से इसका जो है जनन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम कार्य का जनन कहते हैं। कार्य का जनन द्वारा उत्पन्न हुए पौधे अपने जनक पौधे के सामान्य होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि जो कार्य का प्रबंधन द्वारा यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के द्वारा आप जो भी पौधों को उत्पन्न कीजिएगा वो सामान्य ही अपने जनक की तरह ही होगा, यानी उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार के अगर मान लीजिए आम के पेड़ में हम लगाते हैं, कार्य का प्रबंधन करवाते हैं, तो उसका अगर पौधा अलग भी हो जाएगा फिर भी वो जिससे वो उत्पन्न हुआ है सेम उसी के जैसा ही फल देगा और बहुत सडनली देगा, यानी छोटे ही पौधों में देना शुरू कर देगा। क्योंकि जो बीज से उत्पन्न होती है ना उसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना पीछे वाला, कि उसमें हमने यही बात जाना था कि कैसे जो पौधे अगर बीज से उत्पन्न होती है तो उसको बढ़ने में, उनको आगे प्रोग्रेस करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कलम के द्वारा या कार्य का प्रबंधन यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के द्वारा हम कोई पौधे को जनन करवाते हैं तो वो पेरेंट्स के गुण लेके ही पूरा पूरा आते हैं, और कहते हैं सेम ही सेम उसी समय लगना स्टार्ट हो जाता है पौधों में। आपने देखा होगा आपके कहीं आस पास क्षेत्रों में छोटे पौधे होते हैं उसमें जो है बहुत जल्दी जो है उसमें फल आने जाते हैं, जैसे लगाते हो वैसे ही फल लगे हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको कार्य का प्रबंधन यानी बेसिक प्रोग्रेशन के थ्रू इसको लगाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अब यहाँ प्राकृतिक विधि, देखिए प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड में मात्र पौधों को शरीर का कोई भी भाग पौधों से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र पौधे के रूप में जो वृद्धि कर जाता है। जैसे आपने बायोफाइटा में भी देखा होगा, ये जिसे पत्थर चट भी कहते हैं, ठीक है, उसमें देखे होगे कि पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ कारणवश वो नीचे गिर जाते हैं, धरती के अंदर जमीन के अंदर नीचे गिरते हैं तो नए पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं प्राकृतिक विधि माना जाता है। यह भाग तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, पत्तियां हो सकता है या फिर फूल भी हो सकता है, तो ये सारे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। हमने इसका चर्चा जो है पिछले जो है चैप्टरों में भी किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा, जहाँ जड़ तना और पत्तियों के विभिन्न भागों के बारे में हमने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखना दोस्तों। कहते हैं आप भी जान चुके हैं कि कार्य रूपांतरित भाग कुछ विशेष कार्य करने और प्राकृतिक परिस्थितियों में विरुद्ध सहायता भी करते हैं, यानी ये चीज़ें जो दोस्तों होती है वो कभी कभी प्रतिकूल स्थिति में भी काफ़ी सहायता करती है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो शायद हम लोग जो है ग्रेप्स जैसा अमूल्य फल को हम शायद खो देते, क्योंकि अगर कार्यक्रम प्रबंधन नहीं होता तो शायद ग्रेप्स, क्योंकि आपको पता है ग्रेप्स में जो है बीज देने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो अगर कार्यक्रम प्रबंधन नहीं होता, कार्य के जनन द्वारा नहीं होता तो शायद हमें आज ग्रेप्स नहीं मिल रहा होता, क्योंकि इसकी प्रजाति धीरे धीरे विनष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। तो ये चीज़ जो है हमारे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव भी हम पे डालता है और हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहता है। कहता है उसके बाद भूमिगत तने के रूपांतरण, जैसे राइजोमस या प्रकंद यानी अदरक में देख लो, या कंद आलू में देख लो, या बल्ले शकरकंद या प्याज तथा जो है धनकंद जिमीकंद में कलिकाएं पाई जाती है जो एक नए पौधों को परिवर्तित करती है। देखिए इन सब में अगर आप देखोगे, चाहे अदरक ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो या जिमीकंद ले लो, सब में आप देखोगे छोटे छोटे आइस बल्ब दिखेंगे, यानी जो आंखें कहते हो सिंपल लैंग्वेज में वो आंखें दिखेंगी। अगर उनको कई भागों में विभक्त कर देते हो जितने उसमें आइस होते हैं तो वो उतने ही पौधों में कन्वर्ट हो जाता है। जो किसान होते हैं बड़े बड़े आलू होता है उसको इसी प्रकार काट के लगाती है, ठीक है, और ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरक में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है, प्याज भी जो होता है जर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है नए पौधे बनाने के लिए अपने आप को जो है अग्रसर करते हैं। इनको खेतों के पौधों के कार्य जनन के लिए प्रयोग में भी लाया जाता है। पौधों में अपव्यई रूपांतर जैसे ब्लिस्टिया यानी भुस्तकारी अथवा ऑफसेट और नथन यानी जो है अंतभुसारी के लिए भी कार्य जनन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं उसी तरह अगर पीछे हम कंद्रित जड़े यानी ट्यूबलेस रूट, एस्परगस और शकरकंद को भी जनन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, तो इसके जड़े में जो है अपस्थानिक कलिकाएँ होती है, यानी अगर आप इसको जड़ों को अध्ययन करोगे दोस्तों तो वहाँ पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएँ दिखेगी, यानी इसको ग्रोथ करने का कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर प्रमाण मिलेगा, जिससे एक नए पौधों में ये कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है, जो जमीन से नए पौधे उत्पन्न भी कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने जो है दैनिक क्रियाओं में आप इसको देख भी सकते हो। कहते हैं कभी कभी पत्तियाँ भी कार्य के जनन में अपना योगदान देती है। देखिए
कारगिल लड़ने में अपना योगदान कौन कौन देता है, पतियाँ भी देती है। अब पतियाँ देती है तो आपको पता है कि बायो फिल्म्स जो होती हैं, बायो फिल्म्स ठीक है, और कलंचो, कलंचो में पतियों के सिरे पर कलिकाएँ होती है, यानी यहाँ से ये जो है इसकी उत्पत्ति का कारण बनता है। और ये कलिकाएँ छोटे छोटे पौधे के रूप में उगती है, जब इन्हें मातृ पौधे से अलग कर देते हैं तो ये स्वतंत्र पौधे के रूप में वृद्धि करने लग जाता है। यानी जैसे मातृ जहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, अगर आप उसको वहाँ से दूर कर देते हो तो ये जो होता है एक स्वतंत्र वृद्धि करके पौधों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी माँ से अलग होकर ये स्वतंत्र जो है एक पौधों बन जाती है। तो ये पत्थर चट भी अगर साधारण रूप में देखा जाए, साधारण भाषा में समझा जाए, तो अगर आपके पास पत्थर चट होगा तो आप उसको भली भांति देख सकते हो कि उसके पत्तों पर जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें छोटा छोटा ही जड़ होता है। अगर वो पौधे जो है धरती के नीचे गिर जाते हैं, गमले में गिर जाते हैं, तो उससे जो है एक नया पौधा बन जाता है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारे समक्ष अगला पॉइंट आता है, पौधों जैसे अग्यव यानी अग्यव अथवा कलेजियस में बहुकोशिकीय काय जिन्हें पत्र कलिकाएँ कहते हैं फूल के पास विकसित हो जाती है। यानी कलिकाएँ जो दोस्तों होती है फूल के पास विकसित हो जाती है, कौन होता है, अगेवल, अगेवस या एक्जेलियस। एक्जेलियस जो होती है इनकी एक ही खास विशेषता है कि ये बहुकोशिकीय काय होती है जिन्हें कलिकाएँ कहते हैं, और फूल के पास ये विकसित हो जाती है। जब ये भूमि पर गिरती है तो उसे एक नया पौधा बन जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष हो रह सकता है। अब यहाँ पर हमारे एक इम्पोर्टेंट बात आ गया है कि पौधे के विभिन्न भागों का कारकीय जनन। देखिए जनन की किस्में कहते हैं प्राकृतिक प्राणी, सबसे बड़ा आता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, और प्राकृतिक में पता है इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है जड़, जिसको हम अपस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इसमें पौधे का विशिष्ट भाग तो कोई होता नहीं जड़ों में, क्योंकि जड़ तो नीचे चले जाती है, इसमें कोई अलग भाग होता नहीं है। लेकिन आप उदाहरण के तौर पर दो पौधे हैं, सतावर और शकरकंद, सतावर और शकरकंद इसके अंतर्गत ही आता है। अगर आप तना देखोगे तो उसमें जो है उभा स्तर यानी रनर, उस जो ऊपरी विस्तारी जो होती है रनर लांस घास भी होती है, और अंतःविस्तारी यानी शकर, इसे हम पुदीना या प्याज के भी जानते हैं, ये शकर के अंतर्गत आता है, जिसको हम अंतःविस्तारी भी कहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। और साथ में जो है इसके साथ शकरकंद, जैसे बल्ब पाया जाता है शकरकंद में, तो वो प्याज एग्जाम्पल है, और कंद यानी ट्यूबर जिसका आलू केना के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद प्रकंद जैसे राइजोम्स यानी अदरक, अदरक में भी आपको इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। कहते हैं पत्तियाँ, पत्तियाँ जो होती है अपस्थानिक यानी मुकुलन, जिसमें बायोफिलियम्स में पाया जाता है, यानी पत्तियों के ऊपर जो होती है अपस्थानिक होती है मुकिल, यानी इसे बायोफिलियम्स भी कहते हैं। उसके बाद है विशिष्ट भाग यानी पत्र प्रकलिका यानी बल्बिल्स, ये होते हैं अग्जेलियस या अनानास, ये दोनों पौधों में पाया जाता है। कहते हैं कृत्रिम प्रणाली, देखिए कृत्रिम प्रणाली जो होती है जो आर्टिफिशियल कहलाता है, जो इंसानों के द्वारा विकसित किया गया है और इंसान ने अपने फायदे के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया है। जैसे कृत्रिम प्रणाली में कटिंग लगाना हो जाता है, जैसे गुलाब मनी प्लांट में आप करते हो काट के लगा देते हो, तो ये जो है एक नया पौधा में विकसित हो जाता है। या दाब लगाना, जैसे मेली प्रदलता, दाब लगाने का मतलब ही जो होता है दाब लगा के हम इसको अलग करते हैं। उसके बाद कलम लगाना तो जानते ही हो, जो नींबू के पेड़ में भी हो सकता है, आम के पेड़ में भी हो सकता है, ये अपने जैसा ही जनक होते हैं, यानी आपका अगर कोई टहनी में लगा दिए हो तो दोबारा उसमें जो है फल फ्रूट जो है सीजन वाइज आना शुरू हो जाएगा। तो ये कलम लगाने के अंतर्गत आता है। अगर हम संवर्धन उतक की बात करें तो इसमें जो है आकार्डिक्स कैंडोनेशियम्स या जेस्पोरगैरस में भी ये चीज़ देखने को आपको मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हेयर, देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देर इज अ प्रेजेंट ऑफ एक्सिलरीज बॉल्स एंड द टर्मिनल्स बॉल्स एंड स्टेम स्केल लीव्स आल्सो प्रेजेंट हेयर। Here is a potato. There is a potato tubers is present on the roots structure, and the other rhombus is there. Runners is a their side. This is the most important example for here. And the also is a ginger here. Just scale leaves and the here is a present of bird. Bird is an and the nodule is a their side. And there is the most important tree of here. This is a grow for the under of ground. The artificial method. Artificial method is a human beings have taken advantage of natural phenomena. I have a artificial propagative plant vegetative by the using a specialized part or described to earlier or by their cutting, grafting, leavening. That is the most important method for the artificial vegetative parts
देयर कटिंग ड्राफ्टिंग एंड लाइनिंग्स व्हेन वेजिटेटिव पार्ट देयर प्रोग्रेशन क्रॉप्स आर ओरिएंटल प्लांट इट इज अ टर्म टू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन देयर फर्स्ट इज कटिंग कटिंग इज अ मेनी प्लांट लाइक अ रोज पेबिलियम्स कॉटन कॉलियम्स मनी प्लांट्स एंड शुगर कैन are grow through their stem cutting. They show in this picture and cutting of the this plant can be grow even to the water where strike roots and develop a adventure bulbs. Here show the vegetative progression by cutting. There are cuttings is the many parts and they grow to the invisible plant. There is a cutting method is a artificial method for the important for the maximum plant. There is a layering in this method. The lower branch of a plant went down to the cover with the moisture soil, leaving their growing tips above the soil. A ring of bark is a removal from the stem before it is bent down. It's a few week of time when to the enough roots have developed on the underground protection above to the ring its part. It is a cut off from to the parent plant is growing to separate as the independent plant. Example, jasmine, strawberry, grape beans, and as a vagophilias. And they are shown in this picture. Here the vegetative progression by the layering. Layering means there are stem or there is under of the soil and they grow for the easily. There is the most important method for the plants as the grow to the vegetative progression and layering method. And the areas layering as a Gothis. It is a similar practice where a bird bending of the branches is not possible because of the high height of plant. Friend, there is the most important, there is a practical where a bending to the branch is not be possible because it is a high of plant due to budding nature of stem. In this method, a ring of bark is removed from a scattering branch and it is covered with the moisture, moss and enclosed the polythene seed. There is a moisture and use the polythene seed and when root appear the stem is cut below to the root and planted from the new plant. And this method is showing this diagram basically reporting and gotis. Gotis mean there a branch has the cover by the polythene and the moisture for the is a very slow method. There is a root germination and cut down to and the grow to the new plant on the soil. And the next is so here is the grafting. Grafting it is especially important for the progression of the seedless variety of the plant. There is the most important for progression of the seedless variety plant. It consists of inserting a small branch into the rooted plant. The roots is a plant take as the stalk is a resistance to the disease and the physically sturdy. And in this is a stalk branch is inserted which is the now as the there is the cohesions of the graft and these cohesions through graft in the stem cutting from to the desired plant. Usually the grafted end of the stalk and the cones fit well with the each other and the bonded firmly with the trap and rubber band. Until there are tissue entire the vascular continue to established and grafting is mostly practiced of the decoded planted is the most important here. Decoded and the grafting has been to found extremely useful to progressing improved variety of various flower and the fruit like a rose, melvina, crystals and mango. Apple the example of this types of plant. They have show the lower part of the stem of cohesion cut in the bed is there section A. The head is the section is the cut in the bed is and the shoot of their plant to be used to the stalk cut off a second. There is a stem slightly vertically and the cohesion entered into the stalk and the tied with the stem. And the graft onions occur within the short time. There is the most important method for show in this diagram. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है कुछ पौधों के जो है हमें दिखाया गया है जो जनरली आप अपने घरों में भी देखते हो. यहाँ प्याज ऑनियन सब दिख रहे हैं और इसमें जो है कैसे प्रोग्रेशन होती है इसके विषय में बताने की कोशिश किया गया है. अगर आप साफ देख सकते हो इसमें किस प्रकार जो है ऑनियन को भी दिखाया गया है जिसमें जो है प्रजेंट होती है. अगर आप आगे देखोगे तो पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर आलू भी जो है ट्यूबर्स शेप में आपको जाती के अंदर जो है ग्रोथ करता हुआ नज़र आएगा. और दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पौधा जो है
धरती से 18 चौके जो है ग्रो कर रहा है और इसमें जड़ें जो है धीरे धीरे विकसित होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है एक नए प्लांट बनने के लिए ये अग्रसर हो जाता है। और यहाँ पर अगर आलू को भी देखोगे तो वो भी कुछ इसी प्रकार से होती है, क्योंकि इसका जर्मिनेशन अगर देखोगे तो यहाँ जो ब्लैक ब्लैक काफ़ी डार्क दिख रहा है ना, वहाँ से जो है इसका ग्रोथ हुआ है। तो ऐसे ही होता है, अगर आप किसी किसान के पास जाओगे तो पूछना कि वो आलू की ग्रोथ कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं जो है बल्ब देखते हैं, जिसको हम आंखें भी कहते हैं, उसको काट के जो है धरती के नीचे लगाया जाता है और इस प्रकार जो है वो अपना ग्रोथ आगे करता है। और यही मेथड जो है जिंजर में भी काफ़ी काम आता है, अदरक में भी आता है। अदरक में अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको बल्ब दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये बल्ब जो होते हैं इसी की कोई जो है हम काट के अगर धरती में लगा दें तो एक नया पौधा बन जाता है, और इस तरह से जो है इसका कार्यविधि संपन्न होती है। अगर आप लास्ट तस्वीर देखोगे तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार के जो है मेथड को दर्शाया गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो इसकी जड़ तनाएँ हैं उसमें जो जड़ें नज़र आती हुई नज़र आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको काट के अगर धरती के अंदर लगाएं तो ये एक इनविजिबल पौधा बनने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कृत्रिम जो है प्रणालियाँ यानी आर्टिफिशियल मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है, क्योंकि इस मेथड से हम न जाने कितने पौधों को जो है अस्तित्व भी बनाए रखने के लिए अग्रसर हो गए हैं। इस जो है प्राकृतिक तथ्यों का मनुष्य ने लाभ उठाया है और पौधों को विशिष्ट भागों का उपयोग करके, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि नए पौधे उगाए गए हैं और इसमें कटिंग जो है कलम लगाना है, दाब लगाकर पौधों को जो है कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जाता है। जब हम पौधों के भागों द्वारा फसलों अथवा सजावटी पौधों को संवर्धन करते हैं तो इसे हम कृत्रिम कार्य प्रबंधन कहते हैं, यानी हम इसको जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कटिंग लगाना, अब कटिंग लगाना आखिर मेथड क्या है इसके बारे में जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप अगर पौधे जो है गुलाब कलोनिया मिनी प्लांट्स और अनेक पौधे जैसे गुलाब सब चीज़ों को देखोगे या गन्ना को देखोगे तो इसको जो है कटिंग मेथड द्वारा ही आगे ग्रोथ करवाया जाता है। इसको कोई भी पार्ट को हम काट के धरती में लगा देते हैं और वहाँ से जो आती है जड़ इसके फूट जाती हैं और इसे हम कटिंग लगाना भी कहते हैं। इन पौधों की कटिंग को पानी में भी उगाया जा सकता है, यहाँ वह जड़ें निकल लेती है और अपस्थानी कलिकाएँ परिवर्तित कर लेती है। इसका मतलब यही दोस्तों हुआ कि अगर आप उसको कटिंग लगाते हो तो उसमें धीरे धीरे जो है जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें जड़ें निकल जाएगी और जड़ें निकलने के बाद जो है वो एक नया पौधों में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो गुलाब का एक पौधा का टहनी दिख रहा होगा, ये कटिंग द्वारा कल्पित जनन प्रक्रिया के द्वारा ही आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। अगर इसको काट के अगर हम धरती के अंदर लगा दे तो ये जो होगा एक नया पौधे के रूप में धीरे धीरे जो है इसमें कलसियाँ आ जाएगी और ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है कि कटिंग मेथड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और कहते हैं ये कई जो है प्रजाति को विलुप्त होने से बचा लिया है, नहीं तो शायद हमारे समक्ष जो है कई पौधे और कई तरह के फले खा रहे हो शायद वो आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि ये सब चीज़ें जो थी समय रहते रहते बचा लिया गया। हमने नया मेथड जाना और नए मेथड से जो है हम इसको बचा लिया, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है कि देखिए दोस्तों कि कोई चीज़ को अगर आगे बचाना है तो इसके लिए जो है बहुत लोगों की मेहनत की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है कि त्रिपान से जुड़कर चाहते हो कि आगे ग्रोथ करे, आगे बढ़े और आपके लिए अच्छा से अच्छा करे, तो आपको तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, जिससे दूसरे बच्चे भी जो है इसको देख सके और इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपान सेंटर बच्चों के डिमांड पे जो है अब इसको हिंदी में भी आपको डिस्प्ले होगा, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ आ गया है कि अब हिंदी में भी डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, और उसको समझाने की जो है कोशिश किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पर अग्रसर रखता है कि कोई भी चीज़ को अगर नष्ट होने लग जाता है तो कुछ व्यक्तियों के जो है महत्वाकांक्षा और उनकी जो है मेहनत से वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ता है तो काफ़ी ये ग्रोथ कर जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष रखता है और आपको इस बात पर जो है विचार करने की भी ज़रूरत रहता है। उसके पश्चात हमारे पास है दाब लगाना। देखिए ये है लर्निंग, लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड में से आता है। कैसे कहते हैं इस विधि में पौधों को जो है निरंतर शाखाओं के नीचे झुका दिया जाता है। आप सोचिएगा कि नीचे शाखाओं को झुका के हम क्या करेंगे। देखिए तो दोस्तों अगर आप किसी शाखा को नीचे झुका देते हो, अगर वो जड़ मिट्टी में चला जाता है तो 100% जो है उसमें जड़ विकसित होने लग जाते हैं। आपने कई पौधों में देखा होगा कि अगर उसका जड़ जो अगर तना को अगर हम धरती में लगा देते हैं, शाखाओं को लगा देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे जो है जड़ें विकसित होने लग जाती हैं, क्योंकि मिट्टी गीली होती है और इस तरह जो दबाव किया जाता है जिसका वृद्धिमान सिरा मिट्टी के बाहर निकलने रहे। तने के छोटे झुके हुए जो झुकने से पहले उसकी छाल एक
जो है छाल सा काट लिया जाता है, यानी हल्का सा छाल को क्या किया जाता है, पहले थोड़ा सा काट दिया जाता है, और कुछ सप्ताहों में जमीन के नीचे दबने वाले भाग में छल्ले के ऊपर पर्याप्त संख्या में जड़ें निकलने लग जाती है। जब उनके जनक पौधे से काट कर अलग कर दिया जाता है तो यह भाग स्वतंत्र पौधे के रूप में उगा रहता है। उदाहरण के लिए चमेली हो गया, अगर आप चमेली देखोगे तो इसी प्रकार के जो होता है, चाहे स्ट्रॉबेरी देखोगे, द्राक्ष देखोगे, लता देखोगे, अंगूर की बेल देखोगे, बेगोनिलिया देखोगे, सारे के सारे में इसी प्रकार से जो है आप जो है नया पौधा बना सकते हो, और ये स्टार्टिंग से ही फल देना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। और दाब लगाना मेथड जो है बहुत ही आसान होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि मान लीजिए कोई बड़ा तना है, बड़ा पेड़ है, तो उसको झुकाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन लताओं वाले चीज़ों में ये बहुत ही आराम और आसानी से ये क्रिया हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो दोस्तों, इसमें दाब लगाकर कार्य चरण किया गया है, तो ऐसे ही किया जाता है। जो पौधे झुक जाते हैं उनको क्या किया जाता है कि उसको झुका के धरती के अंदर दबा दिया जाता है, और दबाने की वजह से क्या होता है, अगर छील दोगे हल्का सा तो वहाँ पर कुछ जड़ें जो है विकसित होने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे समक्ष है वाइवी दाब लगाना या अथवा गुट्टी। देखिए गुट्टी क्या होती है दोस्तों, गुट्टी जो होती है एक ऐसी पद्धति है जिसमें पौधे अधिक ऊंचाई होने लगता तथा तने का कड़ा होने के कारण उनकी शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता है। अब देखिए तनाव को मोड़ना संभव नहीं होता है, तो इसके लिए जो हमारा मेथड है गुट्टी आ जाता है, मेथड गोटी मेथड, नाम से ही गोटी जैसा लगता है, जैसे गोला बना देना। तो ये उन पौधों में लगाया जाता है जिनकी तनाएँ जो होती है मोड़ा नहीं जा सकता, अमोड़ के धरती में इसको जो है दबाया नहीं जा सकता, यानी कह सकते हो जो पौधे खड़े होते हैं तो उन पौधों को जो है आसानी से दबाया नहीं जा सकता, मिट्टी में दबाया ना मुश्किल पड़ता है। तो इसके लिए एक स्वास्थ्य शाखाओं के ऊपर, यानी एक स्वास्थ्य आपको शाखा लेना है, एक टहनी लेना है, उसके ऊपर छाल का एक छल्ला सा बना दिया जाता है, और उसके चारों ओर जो है गीली मांस या मांस रख कर या पोलोथीन की मिट्टी से ढक कर, और उसको क्या किया जाता है, चारों तरफ से उसको लपेट दिया जाता है, और कुछ सप्ताह के बाद उसमें जो है जड़ निकलना शुरू हो जाता है। तब चने की जड़ों को जो है नीचे काट दिया जाता है और उसको अलग लगा दिया जाता है, जिससे वो नया पौधा बन जाता है। ये भी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। जैसा कि आप चित्र से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है देखिए एक डाली लिया गया है, उसमें क्या किया है, काट के हल्का सा मिट्टी से बांध दिया गया है, और ऊपर घड़ा लगा दिया गया। घड़ा इसलिए लगाया गया है दोस्तों कि इसमें जो है समय समय रहते जो है इसमें नरिशमेंट किया जा सके, और धीरे धीरे जो है इसका जो है गीला मिट्टी रहे, जिससे इसमें जड़ फूटने में इसको आसानी रहे। ये उन पौधों में किया जाता है जो पौधे झुकाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम नए पौधे बना सकते हैं। आज छोटे छोटे आमों में जो आप देखते होंगे कि फ्रूट आ जाते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि हमने इसी मेथड का उपयोग करके जो है उस पौधे को ग्रोथ करवाया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कलम लगाना। देखिए ग्राफ्टिंग भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है। यह विधि उन पौधों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसमें बीज नहीं होते हैं, यानी जिनमें बीज नहीं होते हैं और उनको जन्म देने की क्षमता खो चुके होते हैं। इसमें एक छोटी शाखाओं को जमीन में उग रहे पौधों में धंसा दिया जाता है और जमीन में उगा पौधा का स्टॉक के रूप में कार्य करता है, और रोगों के लिए प्रतिरोध भी होती है तथा स्वास्थ्य भी होता है। इस स्टॉक में जो नई शाखाएँ धसाई जाती है उसे हम जो है कलम या स्कॉन्स या ग्राफ्टिंग कहते हैं। यह लगा कलम जो है वांछनीय पौधों की शाखाओं की कटिंग भी होती है। स्टॉक और कलम के सिरे जहाँ कलम लगाई जाती है सामान्यतः दूसरे में फिट बैठते हैं, और उसके चारों ओर टेप या रबर बैंड के कसकर जो है उस समय तक बांध दिया जाता है, तब तक कि उसके ऊपर जो है उत्तक में जुड़ जा नहीं जाती है और उसके संबंधित मंडलों के बीच जो है स्थापित नहीं हो पाती है। कलम अधिकांश जो है द्विबीजपत्री पौधे में लगाई जाती है, और कलम लगाना जो है विभिन्न पुष्प और फलों वाले पौधों में अत्यधिक लाभदायक भी पाया गया, जैसे गुलाब, बोगनवेलिया, नींबू, सेब, आम आदि। इसमें कोई विशेष कार्य नहीं करना होता दोस्तों, इसमें जो होता है सेम आपको काटना होता है, और उसी में उसी जैसा काट के जो है धसा दिया जाता है, यानी पूरी प्रोसेस जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे तो इसमें सेम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से आपको दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है सेम काटा गया है पहले वाला पार्ट में, और उसको ऐसे ही काट के जो है अंदर धसा दिया गया है, और धसाने से क्या हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, हम टेप से बांध देंगे, और जैसे हम टेप से बांधेंगे इसमें जो है कलियाँ खिलना शुरू कर देगा,
और एक नया पौधा ग्रोथ कर जाएगा। ये तकनीक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इस तकनीक से न जाने कितने पौधे के जो है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये लाभदायक सिद्ध हुआ है। और कहते हैं ना, कोई चीज़ देखिए दोस्तों, हम जो कोई भी कार्य करते हैं वो लाभ के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये पौधों को लाभ इन्हीं चीज़ों से हुआ है। और नहीं तो हम आज ऐसे बहुत से पौधे हैं जिन्होंने अपना बीज देने की क्षमता खो दिया है और उनका बीज जो है सही फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता था कि हम इन चीज़ों से वंचित हो जाएं। और आने वाला समय में हो भी सकते हैं, बहुत से फल हैं जो गायब हो जाएंगे, जैसे जीव जंतु गायब हो गए हैं, ठीक है, बहुत से जो हैं आपको पता है गिद्ध उद्ध भी बहुत गायब हो गए हैं, तो आने वाला समय में हमें ऐसे बहुत से फल हैं जिसको हमें नया भी देखने को मिलेगा और जो पुराने फल थे वो नष्ट भी होंगे। तो ये सारे चीज़ों को बनाए रखना कहते हैं बहुत बड़ा एक चुनौती बन गया है आज के समय में। और ये चुनौती क्यों बन रहा है, इसका कारण है कि लोग जो है शिक्षित नहीं हो रहे हैं सही से, ठीक है, लोगों के अंदर समझ नहीं है, लोग जो है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं लेकिन उसको सही ज्ञान मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से उनको नॉलेज ही नहीं होता कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, कलम लगाना क्या है, क्या प्रोसेसिंग है। वो पुराने मेथड को कर करके जो है तहस नहस कर रहे हैं और उनका आमदनी भी नहीं हो रहा है। कहते हैं इसलिए तो पढ़ाई लिखाई जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसको हर एक बच्चे को समझने की कोशिश करना चाहिए। और इसमें जो है आपको भी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो है इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में मेरा हेल्प भी करना है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हानियाँ और लाभ है, जो कि कहते हैं ना ये चीज़ें अगर आप नहीं समझ सके तो समझिए पूरा चैप्टर देखने का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है आप लाभ हानि जरूर देखना, क्योंकि लाभ हानि से ही हम किसी चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं कि वो सही भी है कि गलत है।